बीएसएनएल अपनी सेवाओं में सुधार करते हुए जिला कांगड़ा व चंबा के दुर्गम क्षेत्रों तक 3G की पहुंच सुनिश्चित करने जा रहा है। जिला कांगड़ा की बात करें तो बीएसएनएल ने इस वर्ष 111 नए 3G VTS लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से 93 लगवाए जा चुके हैं। शेष 18 BTS 31 मार्च तक लगा दिए जाएंगे। जिला चंबा में नए 3G BTS लगाने का कार्य अप्रैल माह से शुरू हो जाएगा। ये जानकारी BSNL दूरसंचार जिला धर्मशाला के GM सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कमियों को सुधारने के चलते BSNL सेवाओं का विस्तार हो रहा है तथा उपभोक्ता BSNL को अपना रहे हैं। जिला कांगड़ा के कोठीकोहड़ लोहालड़ी में जहां BSNL के 3G BTS का कार्य जारी है, वहीं जिला चंबा के घराणों सहित अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी BSNL 3G सेवाएं सुनिश्चित करने जा रहा है। GM ने बताया कि नए 3G BTS लगाने पर 25.86 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। GM ने बताया कि दूर संचार जिला धर्मशाला के अंतर्गत BSNL मोबाइल उपभोक्ताओं का जिला कांगड़ा व चंबा में आंकड़ा 5,06,000 तक पहुंच गया है, जिनमें से 4,33,000 उपभोक्ता पहले से ही जुड़े थे, जबकि 97,102 नए उपभोक्ता BSNL से जुड़े हैं। लैंडलाइन उपभोक्ता का आंकड़ा 31,044 तक पहुंच चुका है, जिसमें 28,000 पुराने उपभोक्ता हैं, जबकि 4,256 नए उपभोक्ता हैं। ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 11,039 हो गए हैं, जिनमें 10,500 पुराने थे और 2,386 नए जुड़े हैं। GM सुनील कुमार ने बताया कि केबल चोरी के मामले से बचाव के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड बेहतर विकल्प है। वायरलेस ब्रॉडबैंड ट्रायल वेस पर धर्मशाला के समीप दाड़ी में BTS स्थापित कर शुरू कर दिया गया है। इस सुविधा के लिए BSNL द्वारा एक आउटडोर एंटीना व मॉडम उपलब्ध करवाया जाएगा, जो सीधे कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़ जाएगा। उपभोक्ता चाहें तो राउटर के माध्यम से इसे वाईफाई भी कर सकते हैं। वायरलेस ब्रॉडबैंड की सुविधा का लाभ उपभोक्ता टावर से 6 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उठा सकते हैं। BSNL द्वारा नेटवर्क सुनिश्चित करने के पश्चात ही ये सुविधा उपभोक्ताओं को दी जा रही है। आप लोगों को इसलिए यहाँ आमंत्रित किया था कि हमने जो पिछले साल में BSNL नेटवर्क में एडिशंस किए हैं, वो काफी अच्छे स्तर पर हुए हैं और कस्टमर को उसका काफी लाभ होगा। जैसे कि हमारे पास पहले सिर्फ 88 BTS थे 3G के, 3G नोट्स सिर्फ 88 थी और वो अब बढ़ के 181 हो गई हैं आज की डेट में, और उसको हम बड़ी जल्दी हमने 199 करना है, जिसमें चंबा के कुछ एरियाज अभी बचे हैं उनको करना है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पहले जो 88 BTS थे ये सिर्फ शहरी क्षेत्र में थे, और अब हमने जितने भी नोड्स लगाए हैं वो रूरल क्षेत्र में लाए हैं। उसकी आपको एक लिस्ट भी दी गई है, इसमें देरा में काफी ज्यादा हमने 24 नोड्स ऐड किए हैं, ऐसे ही हमने नूरपुर में ऐड किए हैं, धर्मशाला कांगड़ा एरिया में ऐड किए हैं, पालमपुर में ऐड किए हैं। तो अब हमारा नेटवर्क जो है 60-70% जो नेटवर्क है वो 3G हो गया है, और अब सिर्फ थोड़े से एरियाज जो बहुत रिमोट एरियाज हैं वही 2G पे बचे हैं, उनको भी हम बड़ी जल्दी 3G पे लाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 3G की हमने स्पीड ये दी है ये बहुत सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और हमारा जो 3G की स्पीड है इट इज एज कम्पेयर टू जो बाकी ऑपरेटरों की स्पीड है उसके साथ है। और हमारे पास इसका कस्टमर जो डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, और हमारा डाटा जो है वो जो 3000 GB पर डे था वो 3600 GB पर डे हो गया है। तो इसमें बहुत सारे कस्टमर हमारे पास पोर्ट इन होकर भी आ रहे हैं। तो हमारा मतलब ये है कि हम 4G और 3G सर्विसेज के साथ ही कांगड़ा और चंबा में सर्विस दें, वो जो कि जल्दी पूरा होने वाला है। 4G कब तक होने वाला है सर? शुरू 4G का भी हमारा प्लान है, उसकी अलॉटमेंट के लिए हमने लिखा है अपने परमंडल कार्यालय को, और उसमें हमारे इस टेंडर में 4G का प्रोविजन है। तो हम होप कर सकते हैं कि इस ईयर में, इस साल में हमारे पास 4G भी आ जाएगा। सर, जो दुर्गम इलाकों में अपने टावर लगाए हैं उस पर और जो क्षेत्र रहते हैं उनमें भी टावर लगाए जाएंगे? देखिए, हमने प्लान बनाया हुआ है और USO फंड के तहत हमने प्लान एक भेजा हुआ है गवर्नमेंट को, और जैसे ही वो प्लान अप्रूव हो जाता है तो
तो हम उसमें उसको भी लगाएंगे। हमारा टीचा तो यही है कि हर क्षेत्र में जहां भी कोई भी कस्टमर है या लोग रहते हैं वहां तक हमारा सिग्नल पहुंचे। कांगड़ा चंबा के कितने गांव अभी तक जहां पे सिग्नल मिले? पहले सर्वे हुआ था 1.5-2 साल पहले, तो तब 384 गांव थे जहां किसी भी ऑपरेटर का सिग्नल नहीं था। अभी हमने नया सर्वे नहीं किया है क्योंकि हमने भी ऐड किए हैं नोट्स और प्राइवेट ऑपरेटर्स ने भी किए हैं, तो मुझे लगता है कि अब संख्या काफी कम हो गई है। और साथ ही हमने एक जो मैं जैसे बता रहा था फिक्स्ड वायरलेस फोन लेके आए हैं BSNL, उसमें जिस गांव में थोड़ा सा सिग्नल भी होगा मोबाइल का उसमें भी वो वाला जो फिक्स वायरलेस फोन है वो चल जाएगा। तो वो कस्टमर उसमें हमारे काफी उसकी डिमांड आ रही है रूरल एरिया से या दूर दराज के एरिया से, तो उससे भी जो कम्युनिकेशन के जो गैप है वो बहुत कम हो रहा है।